डीमा हसाओं में भूस्खलन के बाद मई महीने से बंद रेल सेवा दो दिन बाद पुनः शुरू कर दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लामडिंग और सिलचर के बीच 23 जुलाई से रेल सेवा फिर से बहाल होगी। रेल सेवा शुरू होने से जाहिर तौर पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर समेत पराग घाटी के लोगों की कई मुश्किलों का अंत हो जाएगा। तो आने जाना में थोड़ा अच्छा लगता, ट्रेन खुला है बोल के, नहीं खुलने से तो दिकदारी होता। आगे में तो बहुत तकलीफ हुआ, अभी जाने में तो इतना तकलीफ नहीं होगा खुलने से। बहुत दिकदारी हो, बहुत प्रॉब्लम है सब, की कम आरो ट्रेन चल छोरा सुलीले तो अपना लोग दुकान आको व्यवहार ठीक ठाक हो, ठीक ठीक ठाक हो बोला है। पिछले मई महीने का 14 तारीख से डीमा हसाओं में भूस्खलन के कारण बहुत सारा जगह में रोड कम्युनिकेशन के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से बंद हो गया था, और फिर से रिस्टोर होते होते लगभग 2 हफ्ते पहले यहाँ का न्यू हाफलोंग से लेकर सिलचर तक ट्रेन जो है चला दिया गया है। लेकिन कल यानी कि कल 21 तारीख के बाद 22 तारीख से न्यू हाफलोंग नहीं गुवाहाटी तक सिलचर गुवाहाटी का ट्रेन का भी चलने का बात है, और इस ये ट्रेन चलने से डीमा हसाओं का ही नहीं नेबरिंग स्टेट मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर गुवाहाटी के साथ जो कनेक्टिविटी करते हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो सकता है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर सिलचर से आने वाला न्यू हाफलोंग यानी कि माहौर तक जाने वाला ट्रेन यहाँ पर आया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे आया है। ये ट्रेन खुल जाने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? ये ट्रेन खुल जाने से एक्चुअली बहुत पब्लिक का सुविधा होगा, क्योंकि ना अभी जो हम लोग बस से जाते हैं वो दिकदारी, अभी मैं सुबह में गया था ऑफिस का गाड़ी से, रास्ता ख़राब है, गाड़ी ख़राब हो गया। मैं डिटक्सोरा से ये सिलचर का जो ट्रेन आप लोग माहौर तक गया है इसमें हम आया, ओनली 30 रुपीज़ भाड़ा है। तो ये ट्रेन होने से रेलवे को हम बहुत थैंक यू देने मांगूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये रेल लाइन वो लोग बना के रिपेयर कर लिया है। तो वो काल परसों से जो आपका गुवाहाटी से सिलचर तक चलेगा वो पब्लिक का बहुत सुविधा होगा, क्योंकि गुवाहाटी से बहुत कमती भाड़ा से सेफ्टी से हम लोग आप लोग आने सकता है। जी बिल्कुल, वही बात बोलना पड़ेगा, ये रेलवे थोड़ा ने काफ़ी जल्दी ही इसको रिस्टोर कर दिया गया है। और एक बार बता देता हूँ कि डीमा हसाओं में मोर देन 60 लोकेशन में यहाँ पर जो रेलवे का जो लाइन जो है ख़राब हो गया था उसकी वजह से, और उनमें से मेजर 11 लोकेशन में था, और वो उन सारी जो लोकेशन को अगर हम बात करें तो थोड़ी थोड़ी जो मेजर था वो सब रिस्टोर हो गया था। लेकिन डाउटू हाजा फाइटिंग का बीच में जो माइबांग और बिटवीन फाइटिंग का बीच में जो एक बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत बड़ा जो सिंकिंग हो गया था उसकी वजह से काफ़ी दिन लग गया था। और इसी के साथ कैमरा पर्सन हेमवेंद्र के साथ मैं स्वदेव प्रशंसा, नॉर्थ ईस्ट लाइव हाफ फॉर्म।